पीड़ा सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इसके अलावा इस सभा स्थल पर सीबीआई जांच, पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज किया जाए, इसकी मांग भी किरोड़ी लाल मीणा ने और उनके समर्थकों ने रखी है। और अब इस सभा के बाद रैली निकाली जा रही है। और जी मीडिया संवाददाता शरद पुरोहित अलवर से जुड़ गए बातचीत के लिए। शरद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सभा खत्म होने के बाद रैली होनी थी, क्या शुरुआत हो गई? देखिए, मैं एक बड़ी चीज आपको बता दूं सीधा अपडेट के अंदर, कि ये जो रैली निकाली जा रही थी सर्व समाज की ओर से, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो जो रूपवास फाटक है वहां पर पहुंच चुके और वहां पर आकर ये रेलवे ट्रैक के पास में सभी लोग यहां पर जमा हो गए हैं। रैली को यहां रोक दिया गया है रेलवे ट्रैक के पास में। आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। आशंका है कि रेलवे ट्रैक को जाम किया जा सकता है अपनी मांगों को लेकर। और रूपवास फाटक ये वो जगह है जहाँ पर ये रैली अभी रुकी हुई है। तो लगातार अभी देख सकते हैं कि सारे लोग, आप देखेंगे कि रेलवे ट्रैक के आसपास में जो रैली में शामिल थे वो जमा हो गए। हालांकि अभी की बात करें तो रेलवे ट्रैक के ऊपर ये आंदोलनकारी नहीं आए, रेलवे ट्रैक के साइड में जमा है। फिलहाल इनको यही कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि अनुशासन के साथ में आप रैली निकाले, कलेक्ट्रेट तक पहुंचे अगर पॉसिबल हो, रिएक्शन ले सकते हो वहां पर तो एक क्विक रिएक्शन लीजिए इन लोगों से रैंडमली कि क्या कुछ कह रहे हैं, क्या क्या रेल जाम करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर पुलिस भी खड़ी हुई है और ट्रैक से ये लोग पीछे हैं। तो क्या आगे की रणनीति? मैं एक बार बात करने की कोशिश कर लेता हूं। महिलाएं भी काफी संख्या में यहां पर जुड़ी हुई है, उन्हें से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे बात करते हैं सविता जी, किस तरह की रैली यहां निकाल रहे हैं, कहां तक जाने का प्रस्तावित है? ये कोई रैली नहीं है, ये हमारी मांग है। जिस बहन के साथ अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पूरा समाज किसी भी जाति का हो, हमें किसी जाति से कोई भेदभाव नहीं है, पूरी जात पूरा समाज पटरी पर ही नहीं, हम राजस्थान तक, राजस्थान की दिल्ली के कोने कोने तक हम पहुंचेंगे और हम हमारी मांगों को पूरी करके और तभी हम पीछे हटेंगे, तब तक सांस से सांस नहीं। तो यार रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, आप क्या जाम करने का कोई फैसला किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम कुछ हमारी मांगे हैं उनको रखने के लिए, हमको प्रशासन रोक रहा है लेकिन हम प्रशासन से नहीं रुक पाएंगे, ऐसी हमारी जिद है। क्योंकि वो बहन भी हमारी बहन है, आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, तो हमारे साथ कौन लगेगा? पूरा परिवार, पूरा समाज उस बहन और भी तमाम लोग हैं। रेलवे ट्रैक पर आकर क्यों रुके शरद? और भी और तमाम वहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ हम आराम कर रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगे? आगे माता का मंदिर है, वहाँ हम दर्शन करेंगे। कलेक्ट्रेट जाने का प्रोग्राम था? नहीं, अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बातें की जा रही है। शुरुआत में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सबका जो प्रस्तावित कार्यक्रम था, कलेक्ट्रेट जाने का कार्यक्रम था कि कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो जो मंदिर था वहां से होते हुए रैली यहाँ रेलवे ट्रैक के पास में पहुंच गई है। रेलवे ट्रैक के किनारे पर सब खड़े हो गए हैं। अब इस समय कोई ट्रेन को इधर नहीं आने दिया जा सकता क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ रेलवे ट्रैक के पास में मौजूद हैं। तो इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि किस तरह से आंदोलनकारी अब आगे की रणनीति अपना सकते हैं। हालांकि बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल लेकिन जो आसपास के स्टेशन हैं, जैसे यहाँ तो बैरिकेड भी लगा हुआ है और जाहिर तौर पर जो आसपास के स्टेशन होंगे वहां के स्टेशन मास्टर को, वहां के स्टाफ को भी सूचित किया गया होगा, क्योंकि सिग्नल की भी बात होती है। जब कोई ट्रेन आती है ट्रैक के पास में है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर क्या कुछ बातें और पता चली आपको रेलवे की तरफ से खासकर? बिल्कुल, एहतियात के तौर पर अभी पुलिस के अधिकारियों से अभी मैं बात कर रहा था, तो एहतियात के तौर पर मुझे यही पता लगा कि यहाँ के जो नज़दीकी स्टेशन है उनको सूचना दे दी गई है कि ये आंदोलनकारी अभी रेलवे ट्रैक के पास में पहुंचे हुए हैं। हालांकि रेलवे ट्रैक को जाम फिलहाल नहीं किया है, लेकिन आशंका है इस तरह की, जिसके चलते कोई ट्रेन यहाँ से ना निकले, अगर ट्रेन इस समय यहाँ से निकलती है तो भी कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि काफी ठीक है। बहुत संक्षेप में एक जवाब और दे दीजिए, किरोड़ी लाल मीणा फिलहाल कहाँ है? रेलवे सभा के बाद वो भी रैली में शामिल होने वाले थे, वो अभी कहाँ है फिलहाल? किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल वो रैली के अंदर ही शामिल हैं। रैली काफी लंबी है, एक बार मैं तस्वीरों में कहूंगा वापस दिखाएं आगे की तरफ। इसमें महिलाओं को और जो कुछ इनके हैं युवा, उनको रखा गया और उनके पीछे बीच में किरोड़ी लाल मीणा भी चल रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं उनको भी दिखाने की, लेकिन वो रैली बिल्कुल बहुत भीड़ है समर्थकों की उनके, और जिस तरीके से आवाज बुलंद की जा रही है और सर्व समाज की ये सभा थी उसके बाद की ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया शरद पुरोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और भी जो